एंड इट्स फाइनल। सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ फिर से सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये फिल्म पठान या फिर टाइगर थ्री में से एक है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल यशराज फिल्म्स की आने वाली फिल्म में ये दोनों स्टार नजर आने वाले हैं, जिसे एआर मुरुगदास डायरेक्ट करेंगे। और इस फिल्म की सबसे बड़ी बात ही ये होने वाली है कि सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका जिगरी यार यानी आमिर खान है, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि फिल्म को लेकर अभी शुरुआती तौर पर बातचीत हो रही है, आगे क्या होगा इस पर कुछ भी कह पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं सलमान खान और शाहरुख खान के साथ में आने वाली ये खबर फैंस के दिलों को जरूर तसल्ली देने वाली है और एक बार फिर से रोशनी की नई किरण जगा देने वाली है। क्योंकि हाल ही में जब खबर आई थी कि सलमान और शाहरुख एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं, तो इसी के तुरंत बाद ये कह दिया गया था कि दोनों के ऊपर कोई फिल्म नहीं बन रही है। वेल, आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक एआर मुरुगदास की हाल ही में सलमान खान और शाहरुख खान के साथ मीटिंग भी हुई है। दोनों स्टार्स को स्क्रिप्ट का आइडिया दिया गया है जो उन्हें पसंद भी आया है। हालांकि अभी डिटेल स्क्रिप्ट पर चर्चा बाद में की जाएगी। वही रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि आमिर खान भी मीटिंग के दौरान वहां पर मौजूद थे। दरअसल एआर मुरुगदास ने दो सुपरस्टार्स को एक साथ लाने की सोच के साथ आमिर खान से कॉन्टेक्ट किया था और आमिर खान ने इसे तुरंत सेट कर दिया। जी हाँ, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ। हालांकि स्क्रिप्ट, नरेशन और फिल्म पर साइन करना भी बाकी रह गया है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में भी ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जा सकती है। पॉसिबिलिटी है कि एआर मुरुगदास की फिल्म के लिए शाहरुख खान और सलमान खान अगले साल के सेकेंड हाफ को लॉक कर दे, और अगर ऐसा होता है तो ये सलमान शाहरुख के फैंस के लिए किसी मीठी ईद से कम नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों बाद सलमान और शाहरुख 3 घंटे की पूरी पिक्चर में एक साथ नजर आएंगे। वहीं बात करें दोनों की वर्क फ्रंट की तो सलमान खान फिल्म कभी कभी दिवाली और फिल्म टाइगर 3 में काम करते नजर आएंगे, वहीं शाहरुख खान फिल्म पठान, फिल्म जवान और डंकी में दिखाई देंगे। आमिर खान की बात करें तो उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका डायरेक्शन अद्वैत चंदन ने किया है, जिसमें करीना कपूर खान भी नजर आएंगी।